हेलो एवरी वन एंड अगेन वेलकम टू शिक्षा सो गाइज एग्रीकल्चर स्टैटिक एम सी क्यूज का लेक्चर नंबर इलेवन है और इसके अंदर जो क्वेश्चन मेनली कवर किए गए हैं एज टेलीग्राम के ऊपर आपने डाला था एनिमल हजबेंड्री तो एनिमल हजबेंड्री के कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं सेवन क्वेश्चन हैं लेकिन एज

अगर लेना चाहते हो तो इसको ले लो एंड एक कंटिन्यूअसली रीस्ट्रक्चर होगा ये कोर्स अगर आपने आज ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिल गया बस वही रहेगा कंटिन्यूसली रीस्ट्रक्चर होगा इसकी फर्स्ट रीस्ट्रक्चरिंग थर्टी जनवरी के बाद स्टार्ट होगी पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी एग शेल इज अप ऑफ एग शेल किस चीज से बनता है एग शेल इज अप ऑफ ऑप्शन ए सी एच टू ऑप्शन बी सी एप्शन सी सी ए सीओ थ्री डी सी एन ऑफ क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है एक तो जैसे उसने यहाँ पर आपको केमिकल गिवन है ठीक है एक हो सकता है कि वो आपको कॉमन नेम दे, दे तो देखो दोनों पता होने चाहिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को याद कर लेते हैं जैसे कॉमन नेम याद कर लिया लेकिन अब आप अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो हो सकता है कि आपको उसका केमिकल फॉर्मूला ना याद हो और पेपर में अगर क्वेश्चन फिर इस तरीके से आ गया तो फिर नहीं हो पाता आंसर और फिर ज्यादा बुरा लगता है कि यार चीज जो मुझे आती थी मैं इसको आंसर नहीं कर पा रहा हूं तब ज्यादा हम थोड़ा हो जाते हैं तो दोनों याद होना चाहिए कॉमन नेम भी और केमिकल फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर रहेगा सबसे पहले दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी सी ए सी ओ थ्री तो सी ए सी ओ थ्री होता क्या है आपका सी ओ सीओ थ्री आपका बेसिकली uh, होता है कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट एग जो होता है ये सेमी परमिएबल होता है सेमी परमिएबल का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर एयर और मॉइस्चर जो है वो शेल से पास थ्रू कर सकता है अगर ये कंप्लीट लोज नहीं होता कंप्लीट uh, क्लोज हो जाता तो फिर एयर और मॉइस्चर पास नहीं करेगा और एग योक की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी ठीक है सेमी परमिएबल का मतलब कि जो चीजें रिक्वायर्ड हैं जैसे एयर और मॉइस्चर वो पास करेगा और जो हार्मफुल चीजें हैं दैट विल बी स्टॉप्ड बाय द शेल ओके एंड जो शेल की आउटर मोस्ट कोटिंग होती है ना जो अंडे की शेल की आउटर मोस्ट कोटिंग होती है उसको ब्लूम या क्यूटिकल भी कहा जाता है देखो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आउटर मोस्ट कोटिंग को क्या कहते हैं और ये आउटर मोस्ट कोटिंग किस चीज में हेल्प करती है बैक्टीरिया और डस्ट को दूर रखती है और एक्सेल्स अल्टीमेटली बनते किससे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से जो आपका सी ए सी क्वेश्चन में था ठीक है तो आपको यह पता चल गया कि आउटर मोस्ट कोटिंग क्या होती है आपको यह पता चल गया कि जो एग सेल होता है वो सेमी परमिएबल होता है आपको यह पता चल गया कि एग सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से बनता है नेक्स्ट आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय इनमें से किस मेथड से आप क्वालिटी ऑफ एग चेक कर सकते हो कि एग अच्छी क्वालिटी का है बुरी क्वालिटी का है किस टाइप की क्वालिटी का है सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन ए कैंडलिंग कैंडलिंग तो कैंडलिंग होता क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं कैंडलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है ना एक चैम्बर होता है और चैम्बर के अंदर लाइट होती है और इस लाइट के थ्रू हम बेसिकली एग्स को पास करते हैं ठीक है तो लाइट सोर्स से आप एग्स को पास करते हो और इससे आपको क्या पता चल जाता है वो लाइट इंटेंस होती है जिससे आपको अगर एग के अंदर कोई भी डिफेक्ट है ना एग शेल के अंदर या उसका एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप हुआ वो नजर आ जाएगा कैंडलिंग जनरली इंक्यूबेशन से पांच दिन पहले आप कर सकते हो लेकिन अगर आप इंक्यूबेशन से पांच दिन पहले करोगे तो एरर आने के हाई चांसेस हैं जहां पर कॉमर्शियल ऑपरेशन होता है यानी कि एग प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है वहां पर कैंडलिंग कब की जाती है जब आपके एग्स को सेटर से हैचर में ट्रांसफर किया जाता है सेटर बेसिकली जहां पर आप इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टिंग में एग्स को रखते हो एंड हैचर इज बेसिकली जहां पर आप नाइनटींथ uh, डे के बाद uh, एग्स को लेकर के जाते हो अगर आप एग में से चिकन को हैच करना चाहते हो तो उस टाइम पर बेसिकली एग्स की कैंडलिंग की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जो मॉडर्न डे चिक हैचरीज होते हैं उसके अंदर जो हैचरी होती है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए पोल्ट्री हाउस से पोल्ट्री हाउस जहां पर आपके जो भी एडल्ट चिकन वगैरह हैं उस पोल्ट्री हाउस से कितना फिट दूर होना चाहिए कम से कम ताकि डिजीज ट्रांसमिशन ना हो ठीक है अगर चिकन हाउस में कोई डिजीज है तो वो ट्रांसमिट ना हो जाए है हैचरी में टू वंस, ओके? तो कितना फिट कम से कम रिकमेंडेड होता है कि दूर होनी चाहिए हैचरी आपकी चिकन या पोल्ट्री हाउस से 200 फीट, 500 फीट, 800 फीट, 1000 फीट या फिर नन ऑफ दी अब फैक्चुअल सा क्वेश्चन है टेक्निकल है लेकिन फैक्चुअल है पढ़ा हुआ है तो ही आंसर कर सकते हो तुक्केबाजी का कोई फायदा नहीं है आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन डी थाउजेंड फीट का डिस्टेंस होना चाहिए बेटा अगर आप अपने जो हैचरी में जो चिक्स हैं उनको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना चाहते हो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल जीरो ऑफ चिकन इज चिकन एग्स का फिजियोलॉजिकल जीरो कितना होता है टेन डिग्री सेल्सियस फिफ्टीन टवेंटी फोर थर्टी वन अब सबसे पहले तो यहां पर ये पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल जीरो क्या होता है अगर यही नहीं पता कि फिजियोलॉजिकल जीरो का क्या मतलब है देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे क्योंकि concept ही नहीं समझ आया ना आपको है ना तो पहले तो आंसर दिखा देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल जीरो को आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन सी ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो फिजियोलॉजिकल जीरो क्या होता है देखो टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंक्यूबेशन के टाइम पर एग के लिए क्योंकि एम्ब्रियो वगैरह डेवलप होता है और ये जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही होती है ना तब एग ज्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ठीक है एम्ब्रियो डेवलप कब होता है एग के अंदर अगर आपका टेम्परेचर जो है वो फिजियोलॉजिकल जीरो से ज्यादा हो जाए फिजियोलॉजिकल जीरो बेसिकली क्या होता है ये वो टेम्परेचर होता है अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा ठीक है एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा जब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा टेम्परेचर तभी आपका एम्ब्रियो ग्रो करेगा एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना भाई जीरो डिग्री सेल्सियस पे पानी जम गया है ना अब पानी अगर पिघलाना है तो उसको जीरो से ऊपर इंक्रीज करना पड़ेगा सिमिलरली एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए उस टेम्परेचर को एक्सीड करना जरूरी है सिमिलरली एग्स के अंदर भी 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा एनवायरमेंटल या एग का तभी उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी अगर 24 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगी और चिकन एग्स के लिए 24 डिग्री सेल्सियस या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल जीरो होता है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अंडे के अंदर जो येलो कलर होता है sometimes आपको उसका जो शेल होता है तो है किस कंपाउंड की अबव की बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज का क्वेश्चन नहीं है ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सबसे पहले तो आंसर दोस्तों इसके अंदर होगा आपका ऑप्शन डी जेंथोफिल जेंथोफिल विल बी द राइट आंसर ठीक है अब देखो येलो एग कैसे होता है जनरली हेंज को ना वेजिटेरियन डाइट ही दी जाती है जो एग लिंग करते हैं अब जो हेंज होती है ना उनको वेजिटेरियन डाइट में क्या दिया जाता है कॉर्न दिया जाता है अल्फा अल्फा, अल्फा बीन्स दिया जाता है और ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो ज्यादातर किस में रिच होते हैं जेंथोफिल में रिच होते हैं जो येलो पिगमेंट प्रोवाइड करता है एंड अल्टीमेटली बिकॉज द एनिमल इज कंज्यूमिंग दिस इसकी वजह से ही जो कलर होता है ना यॉर्क का वो भी येलो दिखता है आपको ठीक है सिंपल सा कंसेप्ट है याद रखेंगे

सेल्सियस इंटू नाइन बाय फाइव और फिर उसमें प्लस कर देना है थर्टी टू ठीक है उसमें आपने प्लस कर देना है थर्टी टू ठीक है जी तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ काओ क्या होता है बेटा बॉडी टेम्परेचर ऑफ काओ होता है हंड्रेड एंड वन पॉइंट थ्री डिग्री फ़ारेनहाइट हंड्रेड एंड वन पॉइंट थ्री डिग्री फेरानाइट जो वो रहता है डिग्री सेल्सियस के अंदर ये डिफरेंट होगा थर्टी 5 होगा 38.5 होता है ये ठीक है 38.5 होता है तो अब अगर आपको इसको 38.5 को फेरानाइट में कन्वर्ट करना था तो क्या करना था बस 38.5 9/5 कर देना था ठीक है पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे प्लस 32 कर दोगे एंड अल्टीमेटली आपका फेरानाइट के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा जो 101.3 डिग्री होगा यहां पर मैंने आपको चार्ट दिया है इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको याद करने हैं यहाँ पर आपके पास कैटल का है 38.5 एट पॉइंट फेरानाइट में आप कन्वर्ट कर लोगे अच्छा अलग अलग किताबों के अंदर ना अलग अलग मिलेगा बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हो सकता है किसी के अंदर एक लिखा होगा किसी के अंदर 101.3 लिखा होगा किसी किताब में 101.5 लिखा होगा ये गवर्नमेंट सोर्स का टेबल है ठीक है जो गवर्नमेंट की एक मैगजीन आती है उसका ये सोर्स है तो इसको हम रिलायबल कंसीडर करके चलेंगे थर्टी एट पॉइंट टू डिग्री आप फेरानाइट में कैलकुलेट कर लोगे सबको शीप में थर्टी नाइन डिग्री ओके उसके बाद आपका अल्पाका में थर्टी एट डंकी में थर्टी एट पॉइंट टू चिकन में फोर्टी टू काल्फ में थर्टी नाइन पॉइंट फाइव गोट का भी थर्टी नाइन पॉइंट फाइव कैमल का थर्टी फोर पॉइंट फाइव से फोर्टी वन रहता है ये इतना वाइड रेंज क्यों है क्योंकि कैमल के अंदर ना डे और नाइट में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा शिफ्ट आता है क्योंकि डेजर्ट एरियाज में नाइट्स जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड थर्टी नाइन और, पिग और पिगलेट में थर्टी नाइन पॉइंट एट तो ये टेम्परेचर अगर आप इतने एनिमल्स के भी याद रख लोगे ना सफिशियंट है डिग्री सेल्सियस में याद रख लो बस फेराइट में अगर ऑप्शन में आ भी गया तो वो आप कन्वर्जन करके इजिली कर दोगे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी मीट फ्रॉम कैटल स्लॉटर्ड थ्री टू फोर वीक्स आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड अगर तीन से चार हफ्ते जन्म के तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच में अगर कैटल को स्लॉटर किया जाता है मीट के पर्पज के लिए तो उस मीट को क्या बोलते हैं उस मीट को स्पेसिफिकली एक टर्म यूज करते हैं क्या बोलते हैं ऑप्शन ए व्हील बी कैल्यूस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन ए बोलते बोलते हैं हैं बेटा उसको इट इज द मीट फ्रॉम द कैटल स्लॉटेड थ्री टू फोर वीक्स आफ्टर बर्थ ठीक है इसके अलावा कैल्यूज बीफ लैम वगैरह के ऊपर भी मैं क्वेश्चन अभी फ्रेम करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मोस्ट प्रोबेबली वो आज ही वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा ठीक है सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइज एंड विद लेक्चर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मैं साथ के साथ टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर रहा हूं पीडीएफ फाइल्स का अभी तक की सारी पीडीएफ फाइल्स अपडेटेड है तो वो भी डाउनलोड कर लेना ठीक है चलो टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट क्लास बाय बाय